हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उषा के कुक जॉय इंडक्शन कुक टॉप के बारे में। जानेंगे इसकी प्राइस और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा इसका ऑफलाइन प्राइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कपड़ा टेक्निकल हुआ। हम आपको बताएंगे हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके हाईलाइट के बारे में। यहाँ मिल जाता है मॉडल नंबर, यहाँ मिल जाता है 2000 वाटेज का है ये, 1 ईयर वारंटी है, फ्री होम सर्विस है, वारंटी पेपर तैयार रखिएगा, फ्री हमेशा सर्विस होगा 1 साल तक। साइड में जो हाईलाइट किया जाता है वो है मॉडल नंबर CJ2000XPC और यहाँ जो पावर खाने वाला है वो 2000 वाटेज 230 वोल्ट पे चलने वाला है, 1.95 kg का है ये और इसकी जो MRP है वो 4499 है। मगर मैं आपको बताऊंगा इसका रियल प्राइस जो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए। तो वीडियो के साथ में लगे रहिए और देखिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और सामने की बात कर ले, सामने नहीं और दूसरे साइड की बात कर ले, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको कस्टमर केयर का नंबर। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको इस नंबर पर कॉल करके अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, सारी चीज़ें देनी होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वो बंदा है जो आता है घर पे आपके, आपके प्रॉब्लम को क्लियर कर लेता है और आपको जो समस्या आ रही है उससे आपको दूर भगा देता है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो यही होना चाहिए। सही बात है। हमारा जो बॉक्स के अंदर से ये प्रोडक्ट निकला है ये है वारंटी कार्ड, इसको बचा कर रखना है भैया। जब आएगा बंदा तो वो ये ले जाएगा, ले नहीं जाएगा एक बार देखेगा। तो चलिए फटाफट इसको हर तरफ से हटा दिया जाता है। बहुत अच्छा है, सुंदर है, बटन जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो क्वालिटी मुझे नज़र आई है ये 16 एम्पियर का है, समझ रहे हैं, मतलब कि बड़े वाले सॉकेट में लगने वाला है ये, छोटे वाले सॉकेट में बिल्कुल नहीं लगेगा। 2000 वाट का है, मतलब कि आप 100 वाट से लेके 2000 वाट तक को इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1600 वाटेज का अगर लेते हैं तो आपको 1600 तक ही मिलेगा, मगर ये 2000 तक है। इसमें आप 1600 वाटेज पे भी ला के यूज़ कर सकते हैं, 1200 वाटेज पे भी ला के यूज़ कर सकते हैं और 2000 वाटेज पे भी ला के यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप 1200 वाटेज का अगर इंडक्शन आपने खरीद लिया तो आप उसको 2000 तक नहीं भेज सकेंगे, 2000 तक उसको हीट नहीं कर पाएंगे 2000 वाटेज तक। मगर इसमें क्या है कि 1200 वाट तक हीट कर पाएंगे आप, 1600 तक कर पाएंगे, 800 तक कर पाएंगे, मतलब मिनिमम 100। और बात कर ले पीछे के बारे में, पीछे में बड़ा सा पंखा मिलता है, यहाँ पे सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ध्यान रहे ये सीरियल नंबर और मॉडल नंबर की जो पेपर है ना वो कबड़ने नहीं चाहिए, अन्यथा आपको जो है ना गारंटी वारंटी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो चिपकाया ही गया है। तरीके से यूज़ कीजिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ेगा भैया, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा चीज़ों का अगर आपने अपनी चीज़ें खरीदी है तो। अब हमको नहीं लगता है कि कोई अपनी चीज़ों को खरीदने के बाद ध्यान से नहीं रखेगा। और बात कर लेते हैं उन महान लोगों को जो बोलेंगे भैया परंपार पैसा है, तो भैया आपके लिए धरती है ये नहीं है, आप जाइए मंगल पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट और बताते हैं इसमें क्या क्या फीचर है क्या नहीं है। कुछ जो की है वो मैनुअली आती है, उसी पे टेम्परेचर फिक्स रहेगा, उसी पे टाइमिंग फिक्स रहेगा, है ना। और कुछ एक जो की है वो मैनुअल है और बाकी जो है वो ऑटो पे है। जैसे कि इसको अगर क्लिक करते हैं, हमें मिल्क है उसको अगर क्लिक करते हैं तो वो 15 मिनट तक चलने वाला है और उसका जो वॉटेज खाने वाला है वो 800 है। ये 60 मिनट चलेगा, ये 1300 वॉटेज खाने वाला है। इटली जो है वो 1600 वाटेज चलेगा, ये 60 मिनट चलने वाला है। इसी तरह करके ये सारी बटन का काम है, फंक्शन है। और मैनुअल पे क्या है कि हम टाइम भी बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। यहाँ टाइम पे आ जाना है, अपने को टाइम अप करना है तो टाइम अप कर लेंगे, कम करना है तो माइनस कर लेंगे, है ना। टाइम को क्लिक करने के बाद वहाँ टाइम 19:20 होने लगता है। और इसमें एक और बटन मिलता है पाउज का, जैसे कि अगर हम चला रहे हैं बन रहा है कुछ जलने लगा, फट से पाउज कर दिए, ऑफ भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पाउज का भी बटन है, ये दोनों काम सेम ही करता है, ऑफ ऑन करने का सेम चीज़ है। बस खाली वो क्या है कि अपने इग्निशन को ऑन रखता है पाउज करने के समय में, और ऑफ करने के समय में भी वो अपने सिर्फ फैन को ऑन रखता है। अगर हम फैन की बात करें तो फैन ऑन रहता है कुछ समय तक, जब तक उसका जो मदरबोर्ड है वो ठंडा ना हो जाए। अगर आप डायरेक्ट स्विच बंद कर देते हैं वो अलग बात है कि फिर कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं चलेगा। और बात कर लेते हैं हम लोग इसको एक मिनट पे करके, है ना, एक मिनट पे कर लेते हैं और एक पानी को चढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कितना जल्दी और कितना फास्ट ये खोल रहा है। तो जैसे ही हमने इसको रखा है वो तुरंत खोलने लगा है। और बात कर लेते हैं अब हम इसके MRP के बारे में। MRP मैंने आपको बताया था 4500 और इसका जो ऑफलाइन प्राइस है वो ऑफलाइन में दुकानों में कितने में मिल जाना चाहिए वो है 2700 रुपये से लेकर 2750 रुपये तक पेमेंट कीजिए, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। उसमें दुकानदार आराम से कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है।
और बात कर लें ऑनलाइन के बारे में, तो ऑनलाइन का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से जा करके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा जिनको इंडक्शन खरीदना है या फिर और भी चीज़ें खरीदनी है, तो हमारे चैनल पर आइए और देखिए कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बताए हैं, हर चीज़ों के बारे में प्राइस बताते हैं ऑफलाइन का। थैंक यू। हमारे चैनल पे जो प्राइस बताया जाता है वो ऑनेस्ट प्राइस है, बिकॉज आई एम अ डीलर सो आई टेल यू अबाउट अ प्राइस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।